हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी टिकी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यू ईयर पार्टी के लिए एक डेकोरेशन आइडिया। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए। उसके लिए मैं ली हूँ हमारे बगीचे में पड़ा हुआ एक सूखी लकड़ी का डाली जिसमें छोटे छोटे डहनी भरे हुए हैं। तो इसको मैं सिल्वर कलर से पूरा ढक दूंगी, कोट चढ़ा दूंगी सिल्वर कलर का। ये काम मैं खुले बालकोनी में कर रही हूँ, शायद इसीलिए आपको इसका ग्लो पता नहीं चलता होगा। और इतनी बड़ी चीज़ को घर के अंदर लेके करना वो भी मुश्किल है, थोड़ा कलर गिरता है इधर उधर। देखिए जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ चीज़ें, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा देख के क्या बना रही हूँ। पर्टिकुलर चीज़ आपको एक एक करके बताने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता है, तो जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगता है मैं वो बता दूँगी आप लोगों को। तो देखिए मैंने कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं लिया है, एक चूड़ी से बस कार्डबोर्ड की मदद से ये राउंड शेप में काट के उसको सिल्वर कोट चढ़ा दिया। और ये जो मैं वर्क कर रही हूँ ये सारा स्पून वर्क है, स्पून के ऊपर वाला हिस्सा और निचले वाला हिस्सा, इन दोनों चीज़ से ही सारा वर्क हो रहा है, तो देख के आपको पता चल जाएगा। और मैं मदद ली हूँ ग्लू गन का। तो चलिए और जो जो ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो भी बता देती हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि जो मैं बनाती हूँ वही चीज़ आप सेम टू सेम बनाओ, आप उससे भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। बस मैं जितना शेयर कर सकती हूँ आपके साथ वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। आप इससे कुछ अगर आपको मदद मिलती है और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस तरह के चीज़ आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े होटल में जहाँ अच्छा खासा स्पेस हो, बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये मेरा फाइनल ट्री बन गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, उनके लिए छोटे छोटे कई सारे गिफ्ट इसमें टंगा सकते हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह और कुछ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो भी आपको पसंद है। तो कुछ सैंपल यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह मैंने यहाँ पे टंगा दिया है। अगर आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। ओके देन, बाय फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर।